मैं इस फेस्टिवल को 11 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इन्होंने हमेशा अच्छी हेल्पफुल सिनेमा को इंकरेज किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अवार्ड है, ये जो फेस्टिवल है, इसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये जो अवार्ड है, ना ये बेचे जाते हैं ना ये खरीदे जाते हैं। तो इससे क्या है कि अवार्ड जो है एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है किसी के लिए। कहा जाता है कि जब तक कलाकार को मार ना मिले उसके दिल से आ निकलते हैं। अच्छे सिनेमा को इंकरेज करना, हेल्दी होलसम सिनेमा को इंकरेज करना और उनकी पीढ़ी को जमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा पिछले 11 साल से जब भी ये फेस्टिवल हुआ है या जितने भी अवार्ड दिए गए वो सिर्फ और सिर्फ जो है इधर भी लोगों को दिए गए हैं। तो आखिर मैं शेर पढ़ूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड के लिए। मैं और भी दुनिया में सुकंदर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुकंदर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां हो, क्योंकि ये अंडर प्रेशर में नहीं है और ना ये बिकाऊ है। ये हमेशा इन्होंने हेल्दी सिनेमा को इंकरेज किया है, इसलिए इनकी गहराइयों से मैं बहुत आदर करता हूँ। उधर का अलग था, इनमें सारा पढ़ रही है, पेंटिंग आ रही है, कोई बच्ची सही। Thank you.
कन्नड़ा इंडस्ट्री शिवराज कुमार अंडरस्टैंड वेन यू बी शूटिंग ऑल्सो दैट हाउ बिग अ पर्सन ही इज एंड इज अ वेरी हम्बल मैन एंड इट वाज फैंटास्टिक वर्किंग विद दिस क्रू व्हिच वाज वेरी फुल ऑफ एनर्जी एंड वांटिंग टू डू समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड दे ऑल वांटेड टू वर्क विद मी ऑल्सो सो इट वाज क्वाइट अ रेसिप्रोकेटिंग कार्ड वाज देयर आई थिंक इट वाज क्वाइट नाइस कहा कि जो ये फेस्टिवल्स बहुत होते हैं और होने चाहिए और ये सिनेमा जो होता है कि सिर्फ उस तरह का नहीं कि जिसमें मसाला फिल्म है या कमर्शियल साथ हर तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं और जागरण फिल्म फेस्टिवल अपने आप में अनूठा इसलिए अलग इसलिए है क्योंकि ये दर्शकों तक पहुँचता है ये फिल्म प्रेमियों तक पहुँचता है शहर शहर ये फेस्टिवल को लेके जाते हैं और जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ था उन्होंने एकदम पहले साल से तो नहीं पर काफ़ी शुरुआती सालों से मैं जागरण फेस्टिवल के साथ मिला मेरी कई बार अलग अलग बहुत सारी फिल्में दिखाई गई और अलग अलग शहरों में और मैंने भी ट्रैवल किया है अलग अलग शहरों में मास्टर क्लासेस भी अटेंड किए और इसमें एक जो खूबसूरती है सुंदर बात यह है कि इस फेस्टिवल को ये अलग अलग शहरों तक जब पहुँचता है तो वहाँ पर यंग स्टूडेंट्स भी आते हैं और जो फिल्मी प्रेमी रहे हैं जो इस तरह की फिल्मों को ढूंढते हैं और देखते हैं उस तरह के लोग आते हैं और फिल्म मेकर्स आते हैं निर्देशक आते हैं राइटर्स आते हैं एक्टर्स आते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में जागरण फिल्म फेस्टिवल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे फेस्टिवल्स दो तीन चार साल होकर बंद भी हो जाते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा है कि और दैनिक जागरण वालों की मेहनत है जो भी लोग इससे जुड़े हुए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने सालों से करते आ रहे हैं और हर साल बेहतर बेहतर होता जा रहा है मैंने जो देखा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि ये फेस्टिवल और बड़ा होगा और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इसी तरह और बेहतर होता जाएगा और मुझे बड़ी खुशी है कि हर बार ये दिल्ली से शुरू हो रहा है और कई शहरों से मैं बना हुआ मुंबई में आके और एक और चीज़ मैंने ये भी देखा है कि इस फेस्टिवल में जो अवार्ड दिया जाता है जूरी जो अवार्ड तय करती है वो इस तरह से नहीं होता है कि जिसको मिला अगर वो आएगा तो उसको दिया जाएगा डिजर्व करता उसको दिया ही जाता है धन्यवाद और मैं सभी से आशा करूँगा प्रार्थना करूँगा कि इस फेस्टिवल से जुड़े रहे सबको आज माई देवी का शुरू हुआ है आज की पहला दिन है जो कहा उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद और आशा करता हूँ ये ऐसे चलता रहे इस तरह का अपना फेस्टिवल है जो शहर शहर जनता तक जाता है दोनों फिल्में देखना चाहते हैं अपना एक पूरा बेस तैयार हो ये इसका पड़ाव हर साल मुंबई में होता है शुरुआती दिनों से और आशा करता हूँ कि ये ऐसे चलता है शुरुआती दिनों से और इसकी अनूठी बात ये लाइन चालू करो बस सर क्या कहना चाहेंगे जागरण का जो अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है जिसका नाम हो जागरण का इसका मतलब क्या होता है जागरण का मतलब होता है जागृति जीवन की जागृति समाज की जागृति देश की जागृति तो जागरण फिल्म फेस्टिवल का भी जो नहीं हमने सुना है जाना है यही है कि हम बच्चे लोग इस तरह की फिल्में बनाएं जो हम देश के बच्चों के मानसिक का जो है उसका जागरण कर सकें और जागृति दे सकें हमारे देश की संस्कृति क्या है हमारे भारतीयता क्या है हमारे भारत से जुड़ी हुई जमीन से जुड़ी हुई कथाएँ क्या है हमारी संस्कृति क्या है मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ जो फिल्म बनाऊंगा उसमें भारतीयता होना बहुत भारत से भारत से जुड़ी भारत की जनता से खुशी है इस तरह आने वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म भी है
फेस्टिवल और हमारी फिल्म चिड़िया खाना
शोकेस हुई थी इस फेस्टिवल में और हमें जो यू नो अप्रिसिएशन मिला है, प्यार मिला है, वी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू टू जॉकेट फेस्टिवल, थैंक यू टू एवरीवन हू केम इन टू सी द फिल्म एंड थैंक यू फॉर ऑल द लवली मैसेजेस एंड थैंक यू. I can't really talk about them, but there's one show that has really done great for me. It's called Flame, it's called Strike All Season R. And I know the fans are waiting, I'm also waiting. So hopefully soon, movie announce karte बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ. बट आई मीन ओटी टी ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जो ऑडियंस दी है, वो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करते रहूँ, लोगों को ऑडियंस को हाँ डिसअपॉइंट ना करूँ. और वही है, आई जस्ट इन्जॉय. जागरूकता है लोगों के लिए, एक अच्छा प्रयास है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का. और ये एक अच्छी कोशिश होती है फेस्टिवल, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसे अटेंड करूँ और सीखूँ इससे. थैंक यू. जेंटलमैन मैम बाइक डाली दीजिए कैमरा. थैंक यू गाइस. बहुत अच्छी है, दोनों फिल्में बहुत बड़े सुपर स्टार्स के साथ हैं.
डॉक्टर शिवा कुमार जो है उनकी बहुत हैं और रवि तेजा जी हैं क्या करना है इंडोर में सिनेमा का घर जो भी वो जो था जो सिनेमा जो होता था बड़ा हो गया अभी सब इंडियन सिनेमा है अभी कोई रेजिडेंस क्या भाई बीच में गड़बड़ कर रहे हैं कोई मुंबई सिनेमा नहीं और ये फिल्में इस बात करती हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ कर सकता है अनुपम सर होना लाइटर नोट अवार्ड आपके हाथ में है आप अवार्ड्स की गिनती रखते हैं सर जी अवार्ड्स की गिनती रखते हैं आप मेरे अभी बिल्कुल नया कमरा मेरे ऑफिस में मेरा पूरा कमरा है जिसमें अवार्ड्स ही अवार्ड्स मेरे पड़े अब मुझे एक नया कमरा बनाना पड़ेगा और मुझे अवार्ड्स हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ये सब मेहनत का ही नतीजा है ऐसे बहुत सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं और प्रेरित करते हैं आने जनरेशन कि अगर आप काम करते हो आज के दौर में 40 साल में बहुत बड़ी बात है वो सब ऊपर वाले की दया और आपकी मेहनत करना चाहिए धन्यवाद बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थैंक यू